और महाराष्ट्र के लोगों को इन नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे याद है, एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, एक दो मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। एक क्रेज है आज वंदे भारत ट्रेनों का। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुंबई के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले प्रोजेक्ट भी यहां शुरू हुए हैं। आज जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, वो मुंबई में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की जरूरत को पूरा करेगा। मुंबई के लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था। इस कॉरिडोर से हर रोज 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर पाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्बन इलाकों की कनेक्टिविटी इसके कारण बेहतर हो गई है। कुरार अंडरपास भी अपने आप में बहुत अहम है। मैं मुंबई करों को इन परियोजनाओं के पूरा होने पर विशेष बधाई दूंगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को बहुत तेजी से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना ही होगा। जितनी तेजी से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा, उतना ही देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुखद सुधार होगा। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो देश का बजट आया, उसमें भी इसी भावना को सशक्त किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने उसकी भरपूर तारीफ भी की। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन सरकार के डबल प्रयासों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और तेजी से आधुनिक बनेगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया गया हर रुपया नए रोजगार की संभावनाएं बनाता है। इस पे जो सीमेंट लगता है, बालू लगता है, लोहा लगता है, निर्माण में मशीनें लगती हैं, इनसे जुड़ी हर इंडस्ट्री को बल मिलता है। इससे
बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास को भी लाभ होता है, गरीब को रोजगार मिलता है, इससे इंजीनियरों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तब भी सबकी कमाई होती है और जब तैयार होता है तो वो नए उद्योगों नए बिजनेस के रास्ते खोलता है। भाइयों और बहनों, इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को कैसे मजबूती दी गई है, इस बारे में मैं मुंबई के लोगों को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। चाहे सैलरीड क्लास हो या व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग, दोनों को इस बजट ने खुश किया है। आप देखिए 2014 से पहले तक क्या हाल था, जो भी व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता था उस पर टैक्स लग जाता था। भाजपा सरकार ने पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट दी और इस बजट में इसे 7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। आज जिस कमाई पर मिडिल क्लास परिवार का टैक्स 0 है उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपए तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि सबका विकास से सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला ये बजट हर परिवार को ताकत देगा, हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा। फिर एक बार मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को बजट और नई ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंबई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुंबई को नई रफ्तार दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जीवन आसान होता है। प्रधानमंत्री के संबोधन की अहम बातें आपको बता दें, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया गया है, ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और रफ्तार के लिए मुंबई वासियों को बधाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सरकार काम कर रही है, उसी कड़ी में आज मुंबई को भी सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र